हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जुड़े हुए जो 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो अपने टर्म टू रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सो कोई ना कोई सस्पेंस जो है लगातार ही निकल के आ रहा है। सो उसी बीच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा नया ऐलान कर दिया है। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ना आपको एक प्रेस नोट दिखाता हूं जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रेस नोट डेटशीट टर्म टू ना संबंधित मुड़ परीक्षा जुलाई 2022। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं श्रेणी 2022 टर्म टू दौरान पेपर क्लैश होने कारण वक्त-वक्त कारणों करके परीक्षा देने तो रह गए परीक्षार्थियों की मुड़ परीक्षा की मिति 1/7/2022 तो करवाई जा रही है। 10वीं 12वीं श्रेणी की परीक्षा 1/7/2022 तो लैके 13/7/2022 तक बोर्ड वालों स्थापित किए गए केंद्र बठिंडा जलंधर SAS नगर में करवाई जाएगी। सो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेकेंड टर्म में अपने जो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे। एक तरफ तो जो टर्म टू के स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर दिया है जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे उनके एग्जामिनेशन की डेट अब फाइनल कर दी गई है। सो दोस्तों, यही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। सो हमने सोचा आपके सबसे शेयर किया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।